वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो समर जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आ गया है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि जो नॉर्मल मेरी मम्मी है वो हाउसवाइफ है, तो सुबह से वो पूजा पाठ जो करती है, किस तरीके का उनका रूटीन रहता है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटे से ही एक इस टाइप का एक रूटीन देख के मैं बड़ी हुई हूँ। जब मम्मी सुबह से इन चीज़ों में बिज़ी रहती है, उठ के सबसे पहले उसका जो काम रहता है ना, वो पूजा पाठ करना रहता है। और मम्मी का ना ये एक बहुत बड़ा एक पार्ट है, जो वो कभी भी चाहे जितना भी तबीयत ख़राब हो, जो भी हो, पूजा करना नहीं छोड़ती है। चाहे आप जितना भी उन्हें समझाओ कि नाश्ता करके पूजा करो, छोड़ती नहीं है। बट ये काफ़ी ज़रूरी रहता है कि हेल्थ को ध्यान रख के ही पूजा करना चाहिए। पर ठीक है, अगर कोई अगर ठीक से कर लेता है, मैनेज कर लेता है, तो बुराई भी नहीं है। तो सुबह को मम्मी का ये रूटीन रहता है। जब मम्मी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो जाती है और पौधों को पानी डालती है, तुलसी का मंदिर है हमारा, उसमें भी पानी डालती है, साथ में बहुत सारे जो है फ्लावर लगा के रखी है, फूल वूल तोड़ के लेके आती है। और डेली मम्मी क्या करती है कि एक मंदिर का सेपरेट रूम है जो कि बिल्कुल क्लीन करती है, धो के साफ़ करके रखती है। और अगर मंदिर को इस तरीके से साफ सुथरा करो ना, तो मन में भी एक पॉजिटिविटी आती है। जब मन शांत रहता है तो कुछ टाइम के लिए इस जगह में एक मेंटल पीस मिलती है। और जब भी हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में रहते हैं, एक भगवान ही रहते हैं जो हमें उस कष्ट से उद्धार करते हैं। तो मम्मी बहुत अच्छी तरीके से अपने मंदिर को तैयार करके रखे, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो रिसेंटली मम्मी ने ये जो मंदिर है ना, ये मार्बल का खरीदा है और बहुत अच्छे से भगवान को सजा के भी रखा है। और डेली मम्मी जो है भगवान का जो जगह है क्लीन करती है, जो भी फूल वगैरह देती है, चढ़ाती है, उसे निकाल के नया फूल देती है। कभी कभी जो भी भगवान का जो वस्त्र है उसे भी चेंज करती है। और ये है मेरे भोलेनाथ, जो कि मेरे घर में भी ऐसे ही भोलेनाथ है। और वो जो स्टैंड दिख रहा है ना अभी, जैसे कि अप्रैल में वैसाख का मंथ रहता है ना, तो उसमें पानी चढ़ता है। तो मम्मी ये रेडीमेड ख़रीद के लेके आई है और मुझे भी ख़रीद के दी है। तो यूजुअली डेली मम्मी है जो है बर्तन को, दिया, ये सब को धोती है, साफ़ करती है, उसके बाद पूरा क्लीन करके उसके बाद ही पूजा स्टार्ट करती है। यूजुअली देखो ना, जो जिसे अच्छा लगे वो चीज़ करने में भी बहुत खुशी मिलती है। ये चीज़ आप जगह ज़बरदस्ती आप किसी को भी करवाने के लिए बोलो तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो मम्मी का ये एक जो पार्ट है पूजा करने का, बहुत ही हैप्पी मोमेंट रहता है, बहुत खुशी खुशी बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। और एक छोटा सा फ़ैन भी मम्मी लगा के रखी है। बोलती है कि जिस तरीके से हम लोगों को गर्मी लगता है, हम लोग फ़ैन एसी लगाते हैं, उसी तरीके से भगवान को भी गर्मी लगता है। तो मम्मी भी फ़ैन ऑन कर देती है। और जब ठंडा पड़ता है ना, तो मम्मी बहुत सारे जो है स्वेटर भी बनाई है। तो मम्मी का ये डेली का काम रहता है पूजा करने का। दोनों टाइम एक टाइम बंधा हुआ रहता है, अराउंड 1.5 घंटा मम्मी को पूजा पाठ करने में लगती है। और हाँ, चलिए एक बार पॉजिटिविटी से भगवान के मंदिर को देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या क्या भगवान के लिए स्वेटर बनाया है, उनके ड्रेसेस रखे हुए हैं, वो सब दिखाऊंगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको एक मंदिर का एक छोटा सा सेटअप दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मम्मी हर एक भगवान को मम्मी बैठाई हुई है और एक जगह बनाया हुआ है जिसमें आपको दिख रहा हुआ धूप, ये सब चीज़ें डाली हुई है।
तो ये छोटा सा मंदिर बहुत पीसफुल रहता है, बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि हम लोग बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो हनुमान जी का भी मूर्ति हर एक जगह में रहता है। और आपको दिख रहा है ना छोटा सा गोपाल कान्हा, जो कि हम लोग के घर में ये बहुत मानते हैं, तो ये भी रहता ही है। तो ये हनुमान जी का जो फ़ोटो रहता है ना, बिहार झारखंड के हर एक घर में रहता ही है। और रामनवमी के टाइम में तो ये दिखता ही है। साथ में बंगाली है तो माँ काली, रामकृष्ण, माँ शारदा, ये सब का भी फ़ोटो रहता है, जो कि टिपिकल बंगाली के हर घर में ये सब चीज़ें रहती हैं। मम्मी ओंकार नाथ का दीक्षा ली हुई है, गुरुदेव का भी फ़ोटो दिया हुआ है। तो ये जो दिख रहे हैं ना, मम्मी अपने हाथ से बनाई है ये सारे स्वेटर, बहुत क्यूट क्यूट से स्वेटर है जो कि मम्मी बना के रखी है, और मुझे भी बहुत सारे स्वेटर्स दिए हैं। और जब भी ठंडा पड़ता है ना, जैसे ही अक्टूबर एंड होके नवंबर में जैसे ही एंट्री होती है, तो मम्मी स्वेटर पहना देती है। और जहाँ पे भी जाती है, नए नए भगवान के लिए ड्रेस लेके आती है, कोई भी भगवान ऐसे ही बैठा के नहीं रखी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जो भी आप ने बहुत किसी ने कमेंट किया है कि मैं ये सब पूजा अर्चना करती हूँ, कहाँ से सीखी हूँ, तो ऑब्वियसली घर से ही बच्चे सीखते हैं। और ये देख के अभी धीरे धीरे मेरे भी बच्चे पूजा अर्चना में थोड़ा सा ध्यान देने लगे हैं। और जैसे कि अभी वो लोगों का उपनयन भी हो चुका है, तो वो लोग भी सुबह शाम को दो टाइम अपना गायत्री मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं। जब भी मैं दिया बाती करती हूँ, इमिडिएटली पैर धो के हाथ धो के खड़े हो जाते हैं। तो ये सब घर से ही देखने को मिलता है, घर से ही सीखने को मिलता है। और ये सारे जो है मम्मी के बर्तन हैं भगवान जी के लिए। और बेसिकली वो जो छोटा वाला जो दिख रहा है ना कंटेनर, वही ले के मम्मी फूल तोड़ के रखती है उसमें। और क्योंकि मेरे घर में उपनयन भी होने वाला है, ब्रह्मचारी का जो उपनयन होता है, वो जनेऊ वो होने वाला है भैया के बेटे का, तो उसका भी मम्मी प्रिपरेशन करी है। तो ये जो दिख रहा है इसे साजी कहते हैं, जिसमें फूल तोड़ के रखते हैं। और बहुत सुंदर लगता है ये सब चीज़ें। तो मुझे लगा कि इतना अच्छा से मम्मी पूजा अर्चना की है, तो मैं भी नहा के थोड़ा सा पूजा अर्चना कर लूँ। और चलिए वीडियो एंड करते हैं। होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये सिंपल सा छोटा सा पूजा वाला रूटीन, जो कि मेरी मम्मी फॉलो करती है, मैं भी ट्राई करती हूँ फॉलो करने की। तो वीडियो एंड करते हैं, होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इतना दूर तक मुझे आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा सब्सक्राइब करने को। तो मिलती हूँ और एक वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।